नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। पीएम का सत्यापन। बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह ने आहार तहसील के मोहरसा गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया तो वहां तमाम खामियां मिली, जिन्हें देखकर डीएम भड़क गए। फिलहाल ग्राम प्रधान समेत ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत के खिलाफ कार्यवाही का फरमान डीएम की तरफ से सुना दिया गया है। डीएम बुलंदशहर अभय सिंह के जिले के जहांगीराबाद क्षेत्र अंतर्गत मोहरसा गांव में आज अपनी चौपाल जमा दी और गांव में प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर डीएम पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखे। डीएम ने गांव में कराए गए विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा भी की। इस मौके पर राशन कार्ड, बिजली, पेंशन, शौचालय आदि तमाम बुनियादी व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी। इस मौके पर जिलाधिकारी के संग प्रशासनिक अमला भी था। तमाम योजनाओं में जांच पड़ताल के बाद डीएम ने काफी खामियां भी पकड़ी है। डीएम के नाराजगी जताते हुए अधिकारियों के पेश भी कसे। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मोहरसा गांव में जो विकास कार्य का सत्यापन किया है, कर रहा हूँ अभी, तो उसमें आपको क्या सामने आया और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें बहुत शिकायतें हैं, चाहे आवाज की चाहे सब चीज की। इसमें यहाँ पर इसमें पूरा और खुद जाके मैं देख भी रहा हूँ, इस पर कार्रवाई कराऊंगा। सचिव को, सेक्रेटरी को सस्पेंड कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ के लेखपाल को मैं इसको सस्पेंड किया जाए, इसको नोटिस दिए। और यहाँ पर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की करेंगे। बना रहे हैं, उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें पाया जाएगा प्रधान का, तो प्रधान पे कार्रवाई करूंगा।